हेलो फ्रेंड्स, क्लास टेंथ के रेस्पिरेशन के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा एनालिसिस किया, स्टडी कर लिया है, हर कंसेप्ट को वहाँ पे देखने की कोशिश किया गया। सो वहाँ से आज आगे की तरफ बढ़ते हैं और शायद आज आपका लास्ट क्लास हो, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जिसको आज डील करना ज़रूरी था। और इसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि रेस्पिरेशन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद अनसुलझे सवालों का पिटारा 2 जो कि बेस्ड होगा आपके रेस्पिरेशन पे, आपके सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए वहां से जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस होंगे उनको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और एक वीडियो लेक्चर्स उस पर क्रिएट किया जाएगा। सो आज जो टॉपिक है हमारा है रेट ऑफ ब्रीदिंग। इस टॉपिक को हम लोग स्टडी करते करते आपके कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में भी स्टडी करेंगे और इस चैप्टर को अलविदा कहेंगे। सो चलिए करते हैं आगाज, हमें जो पढ़ना है आज रेट ऑफ ब्रीदिंग। आज का जो टॉपिक है हमारा जिस पे डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग। दोस्त, हम लोगों ने ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा, ब्रीदिंग का मेन फंक्शन क्या था, बॉडी में ऑक्सीजन को पंप इन करना और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना। तो मेन फंक्शन ऑफ द ये ब्रीदिंग इज वॉट। तो ब्रीदिंग का जो मेन फंक्शन है वो है आपका टू पंप इन ऑक्सीजन इन टू द बॉडी एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। ये चीज आपका ब्रीदिंग का फंक्शन था, हम लोगों ने पहले स्टडी किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि दूसरी चीज यहाँ पे देखते हैं कि जो ब्रीदिंग है चाहे वो इंसान हो या फिर कोई भी जानवर हो। जनरली अगर इंसान की भी बात करें तो यहाँ पे जो ब्रीदिंग है आपका इनवॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी एक्शन किसको बोलते हैं? तो एक्शन दो तरह के होते हैं आपका, एक होता है इनवॉलंटरी एक्शन और दूसरा है वॉलंटरी एक्शन। अब इनवॉलंटरी किसको बोलते हैं और वॉलंटरी किसको बोलते हैं? तो इनवॉलंटरी एक्शंस वैसे एक्शंस को बोलते हैं जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, मतलब जो खुद ब खुद हो। जैसे आप ब्रीदिंग, आप चाह करके ब्रीदिंग ले नहीं सकते और चाह करके ब्रीदिंग रोक नहीं सकते हैं, मतलब वो अपने आप होता है। तो वैसे एक्शन को क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी एक्शन या फिर इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। लेकिन कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं जो वॉलंटरी होते हैं, मतलब कि जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे मैंने जो ये हाथ हिलाने का प्रोसेस किया है ये हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है, लिप का जो सिंकिंग हो रहा है, लिपसिंग जो हो रहा है, ये चीज़, ये दोनों का दोनों क्या है? हमारा अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो इनको बोलते हैं वॉलंटरी एक्शंस, हमारे हाथ पैर जो चलते हैं वॉलंटरी एक्शंस हैं। लेकिन अगर हार्ट बीट की बात किया जाए, हार्ट बीट आपका लंग्स जो एक्शन करता है, ये सब की बात करें तो ये चीज क्या है? हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, ये चीज क्या है आपका? इनवॉलंटरी एक्शंस। सो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। तो यहां से हम लोग को देखने को मिला कि जो ब्रीदिंग होता है आपका इनवॉलंटरी एक्शंस होता है, कहने का मतलब वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करता, मतलब हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। तो कैसे करेगा? खुद ब खुद करेगा। लेकिन जो रेट होता है ना ब्रीदिंग का रेट, कहने का मतलब कि एक मिनट में पर यूनिट टाइम में कितना बार ब्रीदिंग होता है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ ब्रीदिंग। द नंबर ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस पर यूनिट टाइम, इट इज सेड टू बी व्हाट? ब्रीदिंग रेट या फिर रेट ऑफ ब्रीदिंग। मतलब हम लोगों ने देखा कि आपका जो ब्रीदिंग का काम है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर डालना। दूसरी चीज हम लोगों ने देखा कि ब्रीदिंग का एक और फंक्शन है कि ब्रीदिंग इनवॉलंटरी एक्शन है, लेकिन जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है।
रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कहने का इन द सेंस ये हुआ यहां पे, ब्रीदिंग क्या है, इज अ इनवॉलंटरी एक्शन, बट आपका ये चीज क्या है, रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ब्रेन। ये चीज क्या है, कंट्रोल किया जाता है ब्रीदिंग का रेट को, क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है ब्रेन के द्वारा। दूसरी चीज कि सर अब ब्रीदिंग के रेट के बारे में बताए, तो एक नॉर्मल इंसान की, एक नॉर्मल एडल्ट इंसान की जो हेल्दी है उसका ब्रीदिंग रेट क्या होगा, तो उसका ब्रीदिंग रेट होगा आपका 15 टू 18 टाइम्स पर मिनट। ये क्या है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है। क्या है, द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ एडल्ट मैन इज 15 टू 18 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में अब 15 से 18 बार वो सांस लेता है। अब ये मत पूछिएगा कि सर ब्रीदिंग किसको बोलते हैं, एक बार सांस छोड़ने को एक ब्रीदिंग और सांस लेने को दो ब्रीदिंग, नहीं, ब्रीदिंग मैंने बताया था वहां पे, भूल गए, वन ब्रीदिंग इज इक्वल टू वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना, ये होता है एक बार। आप काउंट करके देखिए कितना बार आप लेते हैं एक मिनट में। तो यहां से एक चीज नॉर्मल मिला। अब होता क्या है सर कि ये चीज नॉर्मल रेंज में इन जनरल एक्टिविटीज बेसिकली ये चीज होता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि जब इंसान काम करने लगता है ये इंक्रीज नहीं करता है, बिल्कुल करेगा। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज करोगे, जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करोगे उतना ही ज्यादा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब विद इंक्रीज इन द फिजिकल एक्टिविटीज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेज। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों इंक्रीज करता है ब्रीदिंग रेट। कह रहे हैं कि आप जितना फिजिकल एक्टिविटीज करोगे उतना ही आपका ये चीज इंक्रीज करता है, क्यों? सपोज कीजिए आप कोई एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर कोई और दूसरा फिजिकल वर्क कर रहे हो, तो अब क्या होगी, आपको वहां पे एनर्जी की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पे एनर्जी लॉस होता है। अब जब एनर्जी लॉस होता है तो एनर्जी की जरूरत है आपको, तो उस एनर्जी को कंपेंसेट करने के लिए जो लॉस हुआ है आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की जरूरत है। वो प्रोड्यूस कैसे होगा, तो रेस्पिरेशन के थ्रू। मतलब रेस्पिरेशन आपका जो ब्रीदिंग रेट होगा आपका फास्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जितना ज्यादा से ज्यादा आएगा, नॉर्मली इंसान जब एक इंसान जनरली एक्टिविटीज कर जनरल एक्टिविटीज करता है उससे कहीं ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। अब ऑक्सीजन जितना ज्यादा से ज्यादा आएगा
उतना ही तेजी से आपका एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। अब जब एनर्जी के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो वहां से क्या होगा कि वो एनर्जी, वो इंसान आसानी से ज्यादा आपका क्या ले सकता है, एनर्जी ऑब्टेन कर सकता है। आपने देखा होगा एक चीज कि जब आप दौड़ के आते हैं, कोई एथलीट दौड़ के आता है या फिर कोई आप कोई एक्टिविटीज करके आते हो, तो आपका जो ब्रीदिंग रेट होता है फास्ट हो जाता है, बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है। उस समय जो एनर्जी लॉस किया है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या होता है हमारे बॉडी में इंटर करता है। मतलब यहां से लिख सकते हैं मतलब यहाँ से फॉर प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, मोर एंड मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू रीच ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। कह रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी ताकि आपके बॉडी के हर सेल्स में पहुँच जाए वो ऑक्सीजन, और वहाँ से रेस्पिरेशन आसानी से करके ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या करे, प्रोड्यूस कर दे। और जो आपका जो रैपिड ब्रीदिंग होता है, जो बहुत तेज़ी से हम लोग सांस लेने लगते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर इंटर करता है उस रिक्वायरमेंट को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। जो ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे, उस ऑक्सीजन को कमी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को बॉडी को सप्लाई करने के चक्कर में हमारा जो ब्रीदिंग का रेट हो जाता है फास्ट हो जाता है। मतलब रैपिड ब्रीदिंग क्या हम लोग को फैसिलिटेट करता है, रैपिड ब्रीदिंग
मोर एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के चक्कर के लिए वो चीज़ क्या होता है हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं ज़्यादा से बहुत फास्ट आपका ब्रीदिंग करते हैं। मैंने एक चीज़ और बोला कि आप एथलीट को देख लीजिएगा या फिर कोई भी चीज़, जो कोई भी इंसान जो काम करके आते हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ करके आते हैं, तो वो उनका जो ब्रीदिंग का रेट होता है फास्टर होता है इसी वजह से। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने एक चीज़ और हम लोगों ने देख लिया था, वहाँ पे क्या देखा था, वो ये देखा था कि हम लोग वाटर में रह करके सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और मछली बाहर में रह के सर्वाइव नहीं कर सकती, चाहे यहाँ पे कितना भी ऑक्सीजन उसको दे दिया जाए और हम लोग को वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो लंग्स है फ्री ऑक्सीजन इनहेल करता है और उसका जो लंग्स है, उसका जो आपका लंग्स तो होता नहीं है, फिश के पास तो लंग्स होता नहीं है, उसके पास होता है गिल्स, और गिल्स का कैप्स ये ऑप्शन है कि वो तभी आपका जब वो काम कर पाएगा जब उसको डिजर्व्ड ऑक्सीजन मिलेगा, और डिजर्व्ड ऑक्सीजन वहाँ पे मिलता है और फ्री ऑक्सीजन यहाँ पे मिलता है। तो अगर उसको बाहर ला दिया जाए तो चाहे वो आप कितना भी वो चीज़ पहाड़ खड़ा कर दीजिए आपका ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन का, वो तो सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि उसको आदत है किस चीज़ को लेने की, तो डिजर्व्ड ऑक्सीजन को, वाटर में जो डिजर्व्ड ऑक्सीजन होता है उसको लेती है। गिल्स का यही चीज़ होता है, ये गिल्स का फंक्शन ही इस तरीके से काम किया था, हम लोगों ने देखा था रेस्पिरेशन इन फिशेज में, और हमारे पास हम लोग वाटर में नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को डिजर्व्ड ऑक्सीजन हम लोग नहीं ले पाते हैं, और इसी वजह से आप देखे होंगे जो सी डाइवर्स होते हैं, गोताखोर जो होते हैं, जो समुद्रों में जो डुबकियां लगाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं अपने बॉडी के ऊपर ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, ताकि डाइविंग करते समय जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो, वो ऑक्सीजन जो फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर में होता है वो चीज़ यूज कर सके और वहाँ पे आसानी से अपना काम कर सके। सी डाइवर्स यूजेज, या फिर आप लिख सकते हैं टैक्स ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम ड्यूरिंग डाइविंग। To facilitate their breathing requirements। एक चीज और दोस्त हम लोग बात करते हैं, वहां पे देखा था हम लोगों ने क्या देखा था, तो एक चीज़ और देखा था हम लोग कि जो ब्लड होता है हमारे पास, जो उसमें क्या होता है, एक चीज़ होता है क्या, तो उसमें हीमोग्लोबिन होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था, बहुत अगर कुछ क्लासेस पहले की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो ऑक्सीजन को कैरियर होता है, एक्चुअली जो ऑक्सीजन का कैरियर होता है वो होता है आपके पास हीमोग्लोबिन, जो ब्लड में क्या होता है मिक्स रहता है। अब अगर ये ब्लड में मिक्स्ड ना होता तो आपको ऑक्सीजन को कैरियर करने वाला कोई, मतलब ऑक्सीजन कैरियर होता है, अगर ना होता तो ऑक्सीजन का कैरी करने वाला नहीं होता कोई, और जब ऑक्सीजन आपका बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन से तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, व्हेन ऑक्सीजन बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन इट इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इंसान के ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन का रहना सख्त जरूरी है, परम आवश्यक है, अगर ये चीज़ नहीं है या फिर ज़रूरत से कम है तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। क्या नुकसान होंगे, क्या नॉर्मल रेंज होगा हीमोग्लोबिन का इंसान के ब्लड में, तो नॉर्मल रेंज की तरफ अगर बात करते हैं तो एक इंसान की बात करते हैं तो यहाँ पे एक नॉर्मल एडल्ट इंसान है जो हेल्दी होता है, नॉर्मल एडल्ट
हेल्दी इंसान, मतलब 25 से 35 साल के इंसान को के बीच को, वैसे इंसान के बॉडी में, या फिर आप कह सकते हैं कि 30 से 50 साल के इंसान के बाद, वैसे इंसान में जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल जो रेंज होता है, एवरेज, वो होता है 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर। कहने का मतलब क्या कि एक डेसीलीटर ब्लड में आपके 12 से 18 ग्राम ब्लड होने, ये हीमोग्लोबिन होने चाहिए। अगर इससे कम है तो नुकसान हो सकता है, अगर इससे ज्यादा है तो भी नुकसान होता है। कहा जाता है ना, अति सर्वत्र वर्जित है, जरूरत से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, जरूरत से कम भी नहीं होना चाहिए। अब ये चीज ये क्या करता है, अगर मान लीजिए ये कम हो गया, एक इंसान के ब्लड में इसकी कमी हो गई तो क्या होता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग करते हैं कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है। तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करता है, कैरी करना मतलब ऑक्सीजन कैरियर होता है। यहां से लिख सकते हैं हम लोग द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ अ हेल्दी एडल्ट मैन एज 12 से 18 ग्राम पर डेसी लीटर। ये चीज क्या होता है, आपका नॉर्मल रेंज होता है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो जो इंसान में, जिस इंसान में इस चीज की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो देखिए आपका हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन को एच बी से डिनोट करते हैं, और इसमें जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो हो जाता है ओ एक्स एच बी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसकी बात हम नहीं करेंगे यहां पे। जब हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना, ऑक्सीजन को क्या करना, कैरी करना। अब ऑक्सीजन को कैरी करना, कहने का मतलब कि जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा, 12 से 18 ग्राम इतना सफिशियंट माना जाता है, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैरी करेगा बॉडी के पार्ट्स तक। अगर इसकी अमाउंट को डिक्रीज कर देते हैं, इसके अमाउंट को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो होता क्या है, ऑक्सीजन कम से कम जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड के सेल में, या फिर बॉडी के सेल में, सॉरी बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन कम से कम जाएगा, ऑक्सीजन कम से कम जाएगा। जब आपका हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम करेंगे, या फिर किसी के बॉडी में, किसी के बॉडी के ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें, उसके बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन कम से कम जाएगा। अब जब कम से कम जाएगा तो पहली चीज तो एक चीज दिख रहा है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा। इससे प्रॉब्लम क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। रटने की जरूरत नहीं है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। दूसरी चीज, जब सांस लेने में दिक्कत होगी, इसका मतलब एनर्जी कम क्रिएट होगा, तो एनर्जी कम ज्यादा कम प्रोड्यूस होगा, तो यहां पे थकान महसूस होगी। बिल्कुल टायर्डनेस, और जब टायर्डनेस होगी, इसका मतलब ये हुआ ना कि एनर्जी का लैक हो रहा है, कमी महसूस होगी, लैक ऑफ एनर्जी। और लैक ऑफ एनर्जी की मदद से, वजह से क्या होता है, टायर्डनेस महसूस होती है, थकान महसूस होती है। तीन चीज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, टायर्डनेस, लैक ऑफ एनर्जी। एक चीज और, वो इंसान अब क्या होने लगता है, अपना वेट लूज करने लगेगा, दूसरी चीज कमजोर हो जाएगा, द पर्सन बिकम्स पैल एंड लूजेस इट्स हिज वेट।
ये चीज होता है हीमोग्लोबिन की कमी होने की वजह से। सो हीमोग्लोबिन आपका नॉर्मल रेंज में होना अति आवश्यक है नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए। नॉर्मल फंक्शनिंग आप चाहते हैं कि करें तो इस हीमोग्लोबिन का होना अति आवश्यक है। सो इस चीज को जहन में हमेशा रखिए। सो यहां से एक चीज देखने को मिल रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो क्या रहा है। द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन रिजल्ट्स इन ब्रीदिंग प्रॉब्लम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी। क्या होता है ये सारे के सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं। अब होने लगते हैं तो इंसान क्या हो जाएगा द पर्सन becomes weak and loses weight। जब कमजोर होगा तो बेसिकली बात है कि उसका वेट क्या होगा लूज होगा। सो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें दोस्त। जो अगला टॉपिक हमारा है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है और शायद कॉमन भी टॉपिक है। आप बार बार ये चीज़ सुने होंगे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में सुने होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की बात में नहीं सुना होगा तो ये तो सुना होगा कि ठंडे के दिनों में कोई इंसान घर के अंदर सोया है अंगीठी जलाकर आग जलाकर सोया है और सुबह मृत पाया गया। ऐसा न्यूज़ में भी आपने सुना होगा और ऐसा अगल बगल में आपने कहीं देखा भी होगा। दूसरी इसका इसी चीज को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या है इस चीज को हम लोग बारीकी से समझेंगे। सो इसको आप आसानी से लिख लीजिए पहले। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या है इस चीज को समझने के लिए हम लोग बता दें कि कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कब होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को डिनोट करते हैं CO। CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे फॉर्मेशन होता है तो सुनिए। अगर किसी फ्यूल को आप इनसफिशियंट एयर के प्रेजेंस में जला रहे हैं, अगर किसी फ्यूल को किसी ईंधन को आप जला रहे हैं और उसको जितना ऑक्सीजन की जरूरत है जितना एयर की जरूरत है उतना अगर वहां पे नहीं मिल पा रहा है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मतलब व्हेन अ फ्यूल इज बर्न्ड इन द इनसफिशिएंट प्रेजेंस ऑफ ऑक्स एयर इट कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। व्हेन अ फ्यूल इज बर्न्ड इन insufficient
एयर, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड, या फिर आप कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जरा सुनिए, जैसे एग्जांपल आप लेते हैं तो कोई क्लोज्ड स्पेस में, किसी क्लोज्ड स्पेस में अगर कोई भी चीज को जलाते हैं तो वहां पे क्या होता है? इनसफिशियंट एयर होता है। जैसे मान लीजिए किसी बंदे ने क्या किया, एक घर के कमरे खिड़की को बंद कर दिया, गेट को बंद कर दिया, उसके पीछे नीचे अंगीठी जला दिया, आग जला दिया, तो अब क्या होता है कि वहां पे उसको सफिशियंट अमाउंट में एयर नहीं मिल पा रहा है। जब सफिशियंट अमाउंट में एयर नहीं मिल पाएगा तो वो क्या होगा, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, अब सुनिए यहाँ पे होगा क्या। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो गया, अब उसको होगा क्या, वहां पे ऑक्सीजन है नहीं सफिशियंट में अमाउंट में, अब ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है ज्यादा वहां पे उस घर में, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का ज्यादा है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जब ज्यादा है तो अब वो जब भी इनहेल करेगा, जब वो इंसान इनहेल करेगा तो वो क्या इनहेल करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन के बारे में एक और खास बात बता देते हैं। हीमोग्लोबिन की एक खास बात है कि इसका जो एफिनिटी होता है, एफिनिटी मतलब कि अट्रैक्शन करने की पावर, अगर इसके पास ऑक्सीजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है दोनों रखा हुआ है तो ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है इसको, इसके प्रति हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है इसके तुलना में। ठीक उसी तरीके से जैसे आपके पास एक गुलाब जामुन रखा गया और एक कोई बर्फी रखा गया, कोई मिठाई रखा गया, दूसरा आपका फेवरेट गुलाब जामुन है, तो आपकी आपका जो अट्रैक्शन होता है किसकी तरफ ज्यादा होता है? आपका फेवरेट मिठाई की तरफ। तो वही चीज यहां पे होता है, इसका जो अट्रैक्शन है, एफिनिटी है, इसके प्रति ज्यादा है। तो अब क्या होगा, जब इंसान इनहेल करेगा, जो इनहेल करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन भी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, इंटर जैसे ही करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत बाउंडली, मतलब कि टाइटली बाउंड हो जाता है कौन, हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाता है किसके साथ, आपका हीमोग्लोबिन के साथ, और वो क्या हो जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, जहां तक पहुंचना था ऑक्सीजन को, वहां पे उसके बॉडी के हर पार्ट्स तक पहुंच गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ब्रेन या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट्स तक आपका ऑक्सीजन को पहुंचने ही नहीं देगा। जब पहुंचने नहीं देगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी नहीं। तो अब क्या होगा, इंसान उस कंडीशन में जब वो ज्यादा देर तक इनहेल करते रहता है, मतलब बॉडी की रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी नहीं ऑक्सीजन का, तो क्या होगा, ज्यादा देर तक जब यही चीज काम करते रहता है, इनहेल करते रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन, तो होता क्या, वो इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है, अचेत हो जाता है, बेहोश की स्थिति में आ जाता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उस इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे केसेज में जिस केसेज में आपका इंसान की मृत्यु हो जाती है, इसका वजह क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड। वही चीज होता है आपके जो ये न्यूज़पेपर में आता है कि ठंडे के दिनों में अंगीठी जलाते हुए सोए इंसान सुबह मृत पाया गया। तो जनाब, आप गेट बंद करके सोए, खिड़की बंद करके सोए ताकि ठंडा ना लगे, और आग जला दिए ताकि आपको गर्मी मिले, लेकिन आपका ध्यान कहां पे था कि उसका धुआं जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा कहां पे, उसको निकलने के लिए जगह चाहिए, उसको जलने के लिए जगह चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए सफिशियंट अमाउंट में, आपने तो दिया ही नहीं, तो वो चीज पूरे रूम में ही रह गया, इनहेल उसको किया आपने, तो बॉडी को क्या होगा, नुकसान तो होगा ना सर,
और इसी वजह से वो इंसान स्वर्ग सिधार जाता है। बेसिक बात है, जिस इंसान को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है उसको ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है ताकि वो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम्स को फेस ना करे। और अगर सीरियस केसेज होता है ब्रीदिंग का तो उसको वेंटिलेटर पे लिटाया जाता है। वेंटिलेटर एक मशीन है जिसमें बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं जो उसके ट्रैकिया से, इंसान के ट्रैकिया विंड पाइप से कनेक्टेड होता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन की सप्लाई को बॉडी के सेल्स तक पहुंचाया जाए। सो इस चीज को याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एक बहुत ही बेहतर टॉपिक है। सो इस चीज को लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं यहां पे। बॉडी के हर हर पार्ट्स तक पहुंच जाता है और क्या करता है, एंड प्रिवेंट्स द ऑक्सीजन टू रीच बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। ऑक्सीजन को क्या करता है, रोक देता है। यहां से एक कंसेप्ट हम लोग को निकल के आता है कि जो हीमोग्लोबिन है, द हीमोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड than that of ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। किसकी अफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, किसके, हीमोग्लोबिन के पास। तो यहां से एक चीज हम लोग को क्या देखने को मिला कि जो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड वो पूरे बॉडी के पार्ट्स तक फैल जाता है। और इस केस में जब इंसान बहुत ज्यादा देर तक आपका इनहेल करता है कार्बन मोनोऑक्साइड तो वो क्या हो जाता है, इनकॉन्शियस हो जाता है। इन सच केसेस व्हेन अ पर्सन इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर अ लॉन्गर टाइम ही बिकम्स अनकॉन्शियस
एंड कैन इवन डाई ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन। मृत्यु भी हो सकती है, और जो जिस इंसान को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है वैसे इंसान को क्या किया जाता है, आपके ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है ताकि उस जो प्रॉब्लम से जूझ रहा है ब्रीदिंग प्रॉब्लम से उससे निपट सके, उसको फैसिलिटेट कर सके। अगर ये केसेज बहुत ज़्यादा सेवर हो गया, जानलेवा हो जाता है, तो वैसे केसेज में इंसान को कहाँ पे भेजा जाता है, वेंटिलेटर पे वेंटिलेटर को प्रोवाइड किया जाता है। वेंटिलेटर एक मशीन है जिसमें बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, जो ट्यूब्स आपके डायरेक्टली अटैच होता है कहाँ से, आपके ट्रैकिया से, विंड पाइप जिसको बोलते हैं, वहाँ से अटैच होता है, ताकि सारे के सारे चीज़ ब्रीदिंग के प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया जा सके। सो ये रहा आपके पूरा का पूरा चैप्टर्स, रेस्पिरेशन पूरा चैप्टर्स यहीं पे समाप्त होता है। और हाँ, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, एक बार फिर से बोलता हूँ कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो इसका लेक्चर वीडियो बनेगा, उसमें अनसुलझे सवालों का पिटारा नंबर 2, जो कि पहला अगर क्वेश्चन अनसुलझे सवालों का पिटारा देखेंगे तो वहाँ पे न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, यहाँ पे रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वहाँ पे सम सिलेक्टेड क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा, नाम वहाँ पे ज़रूर लिखे अपना। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइफ।